तो ये रहा मेरा क्राफ्टिंग हॉल मई महीने के। ये है मास्किंग टेप, मुझे क्राफ्टिंग में ज़्यादा इसका काम आता है। ये एक्रिलिक पेंट है और ये येलो कलर का है। इस टाइप के कुछ पॉन्स रोलर ब्रशेस मैंने लिए हैं और ये 80 रुपए की है। पेंटिंग करने के टाइम जो आपके बड़े सरफेसेस होते हैं तो ये रोलर अच्छा काम आता है। उसके बाद ये स्पॉन्जेस है, ये भी काफ़ी यूज़ होती हैं पेंटिंग वेंटिंग में, इसकी भी अच्छी फिनिशिंग और अलग लुक आती है। और ये आकांक्षा ब्रांड के एक्रिलिक कलर्स हैं। मैं सोच रही थी ये कलर अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब इसको मैंने यूज़ किया तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, अच्छी क्रीमी टेक्सचर भी है। उसके बाद मैंने ये फेविक्रिल एक्रिलिक कलर्स लिए, ये 100 ml की है, 80 रुपए की है और ये बहुत ही इकोनॉमिक रहती है। कुछ इस तरह मैंने ये शेड्स लिए हैं। ब्लैक, ऑरेंज, येलो और ब्राउन। और ये पल्स है प्रीमा कंपनी का, कुछ इस तरह गोल्डन, ब्राउन और वाइट मिक्स का रहता है। ये भी क्राफ्ट में काफ़ी यूज़ होती है, या फोटोग्राफी में टेक्सचर देते हैं, कार्ड मेकिंग, इसकी बहुत सारी यूसेज है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये कलर पैलेट है, छोटी सी है, बहुत क्यूट सी है और इसका प्राइस सिर्फ 30 रुपीज़। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने ये कुछ डिस्ट्रेस ऑक्साइड्स भी ऑर्डर किए हैं, ये मैंने अमेजोन से ख़रीदी हैं। ये बड़े साइज़ की हैं और इसकी प्राइस है 330 से शुरू करके 350 तक है। ये कार्ड मेकिंग, एल्बम मेकिंग, डिस्ट्रेस लुक्स देने के लिए काफ़ी यूज़ होती है, इसके बहुत सारे यूसेज भी हैं। उसके बाद ये दो पेंट ब्रश है, एक फैन पेंट ब्रश और ये नॉर्मल फ्लैट ब्रश। ये वाली 50-60 रुपीज़ और ये मैंने 30 रुपीज़ में लिए हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली क्राफ्टिंग में है वो ये ग्लू स्टिक्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं तो इसलिए मैंने ये पूरा बल्क पैकेट ले लिया। तो ये सारी चीज़ें मुझे लोकल में ही मिल गए। एंड आवर लास्ट प्रोडक्ट ये डिस्पोजेबल हैंड ग्लोव जो मैंने खुद पहन रखे हैं और आप इसका क्वालिटी देख सकते हो। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इकोनॉमिकल है और इको फ्रेंडली भी। तो ये रहे आज का क्राफ्ट शॉपिंग हॉल। मैं आऊँगी फिर से नेक्स्ट शॉपिंग हॉल के साथ।